माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सॅन्स उनाबट्टी इथे सुरू आहे. सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा. आज नाही तर कधीच नाही. 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सही. चेंबूर वाशिना का गडकरी खदान के पास प्रयाग नगर मेटल बॉक्स में L&T कंपनी के लेबर रहते हैं, जिसके लिए इन दोनों काफी उथल पथल चल रही है. आपको बता दें, मेटल बॉक्स कंपनी के प्रांगण में L&T कंपनी के लेबर कई साल से रहते हैं और मुंबई में L&T का कई जगहों पर मेट्रो स्टेशन और रॉड बनाने का काम चल रहा है, जिसमें लेबर काम करते हैं. इस लेबर कैंप को हटाने और कार्रवाई करने के लिए सोनासी ने RCF पुलिस स्टेशन और मुंबई महानगर पालिका को पत्र लिखकर कंप्लेन किया है, जिसमें स्थानीय लोगों ने CN न्यूज से बात करते हुए सोनासी पर क्या आरोप लगाया है, आइए देखते हैं. लपड़े का तो कोई मामला ही नहीं है. हम लोग यहाँ पर थे भी नहीं, यहाँ पर कोई गुंडे लोग है भी नहीं है. गुंडे तो उनको साबित करना चाहिए. और रही बात L&T के मुद्दे पे, रही बात L&T का मुद्दा है, L&T के नाम पे उन्होंने तो पहला हमारा उपोषण का दायित्व वो लोगों ने रखा गया है आज़ाद मैदान में, और पत्र व्यवहार भी किया है कंपनी में. तो बहुत सा चीज़ उन लोगों ने आया विजिट किया, कोई मिला नहीं. तो उनको लास्ट अभी एक ही परिहार है कि यहाँ पर आके कैसा यहाँ का माहौल बिगड़े और कैसा झगड़ा करे, और उनको मौका मिले कि हम लोग उपोषण ना करें. और उनको पता चला कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, ना कुछ दाल गलने वाला है, और उनका मकसद यही है कि उनको हफ्ता मांगता है बस. और चिड़ यही है हमारे पे कि इन दोनों का यहाँ पर नाम बदनाम करे, और इन लोगों के नाम पे हम लोग हफ्ता कैसा लिए कंपनी से डर दिखा के, वही है. और रही बात कंपनी का रिलेशन हमारा क्या है, कोविड काल में उन लोगों को हम लोगों ने बहुत सा सहायता किया, और हमारे से भी उन लोगों ने सहायता लिया. और रही बात कोविड काल में उन्होंने 2 साल पहला बाथरूम का भी बहुत इशू था, तो यहाँ पर लोगों को बाथरूम दिया गया, और खाने का जो प्रॉब्लम था खाना भी दिया गया उन लोगों ने. और रही बात जैसा बॉडी होता था कोविड में, बहुत सा डेथ हुआ तो उन्होंने एम्बुलेंस दिया गया. और रही बात इस मुद्दे में बार बार खासदार का नाम लेके खासदार की नाम बदनाम किया जा रहा है. ऑलरेडी इन लोग ही बदनाम है समाज के लिए, और पार्टी का खुद का पार्टी का नाम बदनाम करके ले रहे लोग, और हम लोग को बदनाम कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं. ऑलरेडी यहाँ पर जियो में रियल काम करने में, रियल बोला तो जियो में 142 लोग काम पे हैं. 142 लोग में 148 वार्ड क्रमांक, मैं शाखा प्रमुख हूँ, 142 कामगार है, उसमें 80 कामगार स्थानिक है. स्थानिक कामगार इसलिए यहाँ कहीं नहीं, जैसे गवनपाड़े के, विशुनगर के, गडकरी के, प्रयागनगर, विशुनगर और वाशिना का, और शंकर देवल और भारत नगर, यहाँ के करीबन 80 लोग काम पे हैं यहाँ पर. और सडनली काम मांगने के लिए मुद्दा ले रहे हैं उन लोग, बाकी कुछ नहीं. हमारे पास पूरा फॉर्मेट है, वो हम लोग बता सकते हैं. फिर उनका मकसद ही है कि हम इनको हैरेसमेंट करेंगे और बस हमारे बस चालू होना चाहिए. लास्ट टाइम पे यहाँ के स्थानिक नगर सेवक ने भी ऑब्जेक्शन लिए, कार्रवाई की है, उनको पता चला कि यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है जो अनलीगल, और बस हमारे बस चालू होना चाहिए. लास्ट टाइम पे यहाँ के स्थानिक नगर सेवक ने भी ऑब्जेक्शन लिए, कार्रवाई की है, उनको पता चला कि यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है जो अनलीगल था, उन लोगों ने तुड़वा दिया डोमिनेशन करके. और रही बात L&T जो एम्प्लॉई है, ये राष्ट्र के हित के लिए काम कर रहे हैं, और मेट्रो का बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं राष्ट्र के हित में, और बुलेट का भी प्रोजेक्ट चालू होने वाले. खाली इनको, खाली इनका मकसद यही मिशन है कि हमारा कुछ चालू है, जहाँ भी जाए इनको डराओ उनको डराओ. और 2 दिन पहला यहाँ पर मेरे नाम से गाली गलौज कर रहे थे, मेरी माताजी बैठे थे, मेरे बीवी को पता चला, मेरा बीवी आके पूछा उनको कि भाई मेरे आदमी को आप क्यों गाली दे रहे हो, क्या कारण है. और ज़बरदस्ती बोलते तेरे आदमी के ऊपर रेप करूँगा, वो भी पूरे पुलिस प्रशासन के सामने. मतलब इतना दादागिरी इनका, ये लेडीज़ का इतना, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, वो भी पुलिस ऑफिसर लोग के सामने. इतना मतलब आप रहते कहाँ पर हो, आपका विषय क्या है, आपका उपोषण का विषय, आपका यहाँ पर रोल ही नहीं है. आप जाओ ना उपोषण करो, धरना करो वहाँ पर. बाटला देखो, मैं क्या बोलता है, एम्प्लॉय है वहाँ पर, कैंप है, छोटे छोटे कैंप है, अंदर लोगों का खाना बनता है, तो अपना अपना खाना चूल्हा लगाता है, जैसे घर में अपन भी चूल्हे लगाते हैं, उस पर खाना बनाते हैं, खाते हैं. बेचारे लोगों को खाली कुछ नहीं, हैरेसमेंट चल रहा है, लोगों को तकलीफ देना चालू है, और कुछ नहीं बस, यही विषय है और कुछ नहीं बस. माझे नाव बाबू जाधव,
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक नेते माननीय खासदार रामदास जी आठवले साहेब हे लोक नेते आहे, कोणाचा घर तोडत नाही या कोणाचा बेरोजगारांना रोजगार देतात असे ते आमचे लोक नेते आहे। मी ह्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियामध्ये माझ्या वयाच्या 17 वर्षापासून ह्या पक्षात काम करत होतो, पण काही कारणामुळे मी तो पक्ष सोडला। माझे नेते अजून भी आहे, रिपब्लिकनचे काही नेते लोक आहे, कार्यकर्ते आहे, महिला आहे, हे सर्व मला अजून भी मान सन्मान देतात, बोलतात। पण आज जे चाललं आहे हे एलएनटीचा विषय, हा एलएनटीचा विषय नसून हा पूर्ण मेटल बॉक्स कंपनी, ज्या वेळा कोरोना काळ होता त्या टायमाला मी स्वतः बाबू जाधव या इकडे जेवण वाटत होते, इकडे जे काही आमचे पोर आहे जे लोक स्वतः जेवण वाटत होते। परत कोविडच्या टायमाला धुराचा पूर्ण फवारा इकडे मारला एरियामध्ये, जेवणं दिले, काही धार्मिक कार्यक्रमाचा ते वर्गणी देतात, काही असे बरेच काही गोष्टी आहे, ॲम्ब्युलन्स देतात। आता ॲम्ब्युलन्स सध्या त्यांच्याकडे नाही आहे, माणसं कमी झाल्यामुळे त्यांची ॲम्ब्युलन्स इकडे नसल्यामुळे काही आपल्याला 2-3 ॲम्ब्युलन्स दिले। ज्या टायमाला 2 वर्ष अगोदर इकडे डबल माळा बाथरूम होता, आता बी लोक इकडे टॉयलेटला जातात, हे टॉयलेट आमच्यासाठी नाही, त्या राहणाऱ्या लोकांसाठी होते आणि ते आम्हाला यूज करायला देतात। असं रुस्तुमनी बोललं नाही, कंपनीच्या जे माल आहे जे बनवत चालवतात त्यांनी बोललं नाही की प्रकाशनाला सोडू नका, प्रयाण सर्व लोक इकडे संडास करतात। आणि आमचे मी तुम्हाला आता माझी पगार स्लिप दाखवली असती आणि माझं पोलीस व्हेरिफिकेशन बी आहे आणि आमच्याकडे सर्वच गुंडे नाही इकडे। आणि ज्या टायमाला प्रकाशनगर इकडे बसला हे गरिबाचं घर आहे, इकडे सर्व लोक हातावरची पोटं कोण जास्ती शिकलेलं नाही, पैसे पान नव्हते, त्यामुळे इकडे 9वी 8वी शिकून आज HP कंपनी आमच्या बाजूला आहे आणि त्या HP कंपनी माथाडी आहे, ड्रायव्हर आहे, सर्व असे मिळून सर्व आज 2-3 हजार करोना काळामध्ये हा HP कंपनी होती म्हणून आज आमचं हे जीवन इकडे जगले। मला तर वाटतो 2-3 वर्षापासून आहे, आता हे लास्ट, आता हे मला वाटतं 2-4 महिन्यात त्यांचं पूर्ण काम झालं आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं होतं काम कुठेही करू शकतात, आम्ही नाही बाहेरगावी जातो, मग तिकडे लोकांनी आम्हाला मारून पाठवलं पाहिलं ना, मग इकडे तिकडे सर्व लोक इकडे काम करायला अधिकार आहे, सर्वांनी कुठे काम, हा ठीक आहे तो अनलिगल आहे, तो बॉम्ब सोडायला काय असणार, काय एक्सवर जे काही असणार ते पोलीस प्रशासनाकडे आहे ना, त्यांचे जे पोलीस व्हेरिफिकेशन आहे, पोलीस येऊन बघून गेलेले आहे, एवढं शिरात आम्ही नाही बाहेरगावी जातो, मग तिकडे लोकांनी आम्हाला मारून पाठवलं पाहिलं ना, मग इकडे तिकडे सर्व लोक इकडे काम करायला अधिकार आहे, सर्वांनी कुठे काम, हा ठीक आहे तो अनलिगल आहे, तो बॉम्ब सोडायला काय असणार, काय एक्सवर जे काही असणार ते पोलीस प्रशासनाकडे आहे ना, त्यांचे जे पोलीस व्हेरिफिकेशन आहे, पोलीस येऊन बघून गेलेले आहे, एवढं सिनियर SCP DCP बघतात ना, ते फुकट असेल ना इकडे लावलेलं काय, आतंकवादी म्हणून इकडे कामाला ठेवलेले का, माझं एकच आणि राहिली गोष्ट इकडच्या आतंकवादी संरक्षण करायला, आम्ही इकडे आहे तरुण पोर, आम्ही खंबीर आहे, कुठला जो येईल ना कोण आतंकवादी त्याला इकडे मारल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, तुझी काय गरज नाही आम्हाला तुमच्या लोकांची, आम्ही इकडे स्थानिक लोक आहे। त्या टायमाला ही महिला इकडे आज किती वर्षापासून मिस्टर मेल्यापासून हिच्या समोर हे झालं आहे बोलतात, आणि मला जेव्हा मी तिकडे आतमध्ये बसलो मला बोलले हिराप्पा आणि पिंटू सिंगला शिव्या देतात, माझा म्हणत होता हिराप्पा आणि पिंटू सिंगला शिव्या देतात, कारण काय, ज्या व्यक्ती जो व्यक्ती नशिबाने पुढे होतो त्याच्या कर्माने तो पुढे जातो, त्याच्या पाठी कोणी ओढायचं काम नाही। आज हिराप्पा कसा होता आम्हाला माहिती आहे, लाकडं ऐकून तो काम करत नाही, आम्ही कसे दिवस काढले आम्हाला माहिती आहे, तो माझी लहान असणार झाला असणार बॉडी बिडिंग चांगली, ओळख ज्याची ओळख चांगली तो पुढे कसं जाईल, त्याच्या पाठी आमचा विचार नाही की आम्ही त्याला पाठी ओढायचं। आज हिराप्पा पिंटू सिंग असू दे कोणी असू दे, नगरसेवक आमदार खासदार त्यांचा अधिकार नाही, त्यांना लोकांना कामाला लावायचा अधिकार नाही खासदारांना, ज्या टायमाला मी कामाला तर 6 महिने जर विजय सेल बंद झाल्यानंतर 6 महिने मी 1-1 फिरत होतो, कोणी काम दिलं आम्हाला, मी बोललो जेव्हा हे हिराप्पा तिकडे गेला मुलं तिकडे आपले काही ओळखीनुसार आज आम्ही कामाला, आज लोकल मोल आहे ज्याचे विधवा महिला आहे ते शिक्षण बघितलं नाही, त्यांनी जर शिक्षण बघितलं तर ते विधवा महिला काम नाही केले असते, आणि अजून याच्या पुढे बी येणार ना मी हक्काने तो हिराप्पाला मी सांगणार, राहुल शेवाळा साहेबाला सांगणार, इकडे कोणी असू दे जर कंपनी आली तर स्थानिकाला काम भेटायला पाहिजे अशी माझी मी प्रामाणिक भूमिका तुमच्याकडे मांडतो न्यूजच्या माध्यमातून। स्थानिक लोकाला त्याच्या बायोडाटा आणून द्या, माझ्याकडे एक पूरा लिस्ट आहे, मी स्वतः पोलीस व्हेरिफिकेशन इकडचे आहे आणि काही लोक शिकलेले नाही, शिकले जेव्हा इकडे काम वाढणार तेव्हा ते घेणार जिओ मार्टमध्ये, आणि मी छाती टोकमध्ये नाही घेतलं तर पहिलं हे मी इकडे आत्मदहन करणार, हे दुसऱ्याला येऊन इकडे आमच्याकडे आमच्यासाठी तुम्ही कोण आदर बदलणार, मी आहे साबित, आम्ही आहे इकडे, आम्ही आमच्याकडे लोकांसाठी करणार, लोकाला काम पाहिजे आणि मी लोकांना बी हे बोलतो माझे प्रकाश प्रयागनगर विष्णुनगरचे लोक बी आहे,
कामाला बरेच लोक आहे आणि जेव्हा इकॉमन येणार आता 142 आहे, जर अजून 150 आले तर मी वाढवणार आणि घेणारच मी. पण माझ्या सर्व नागरिकांना विनंती आहे, आलं तर व्यवस्थितपणे कामं करा, भांडणं तंड करू नका, जेणेकरून मॅसेज चुके जाऊ नये, असं स्थानिकालाही माझं या मीडियाच्या माध्यमातून विनंती आहे. मी लीना आहिर, मी एक समाजसेविका आहे. ज्यावेळेस ह्या पिंटूनी मला सांगितलं की ताई असं असं घटना घडते आहे, त्यावेळेस मी म्हटलं ठीक आहे चालेल, मला त्या जे जिथे घटना घडली किंवा ते झाले ना मला तिथे यायचं आहे आणि मला बघायचं आहे की खरंचच हे झाले की नाही. मग त्यावेळेस हे सगळ्यांनी मला आता जर ती सोना सिंग जर असं सगळ्यांवरती करत असेल ना, हे सगळं 354 गुन्हा दाखल करणं, कपडे फाडणं, हे तर सगळ्याच महिलांची इज्जत जाणं आहे ना. हां, एक महिलाने केलं काय आणि 10 महिलांची इज्जत जाणं काय. तर तुम्हाला मी सगळ्यांना सांगते आजच्या बाद तुम्हाला हे असं कधीही होऊ देणार नाही. मी तुमच्या संगती आहे ना, तुमच्या संगतीच राहणार. जे जिथे कोणी अन्याय करत असेल ना तिथे मी लीना आहिर राहणार. तुम्ही बिलकुल टेन्शन घ्यायचं नाही काय नाही. आणि ह्या गोष्टीचं तुम्ही हमेशासाठी माझं एकदम हे करून ठेवा की आपल्यासाठी बिन कोणीतरी आहे. समजलं का? गुन्हे कोणी पण हातात घेऊ शकत नाही. आणि 354 गुन्हा हे दाखल करणं काय बाबासाहेबांनी काही तिलाच दिलेलं आहे का? हां, ज्यांनी चांगल्या याच्यासाठी ते हे केलेलं आहे, पण त्याचा जर गलत वापर होता असेल तर ते मी होऊ देणार नाही. बस काय सांगणार तुम्ही लोक इथे आले? नमस्कार, मी लता खंडागळे, मी भारतीय जनता पार्टी महिला जिल्हा अध्यक्ष आहे. तर माझं म्हणणं एक आहे की आम्ही इथले स्थानिक कार्यकर्ते आहोत ना, आम्ही स्थानिक कार्यकर्ते का गुंडे आहोत का? आम्हाला स्थानिक कार्यकर्ते आम्ही वारंवार यांची जे स्थानिक लोक आहेत, आमच्या ज्या महिला आहेत, आया बहिणी आहेत, कुठलाही यांचा काही प्रॉब्लेम असला की आम्ही सॉल्व करायला येतो, उभा राहतो, येतो आम्ही सॉल्व करतो. करोना काळामध्ये ही सोना सिंग कुठं गेली होती? जेव्हा यांना मदतीची गरज होती. आणि जर ही आमदार आणि खासदारांचं जर नाव घेत असेल तर त्याच करोना काळामध्ये त्या आमदार खासदाराने ह्या सर्वांची मदत केली. हे तर आणून त्यांनी पुरवलेत धान्य राशन पाणी त्यांना पुरवले. त्या टायमाला सोना सिंग का नाही इथं आली राशन पाणी घेऊन यांना बोलायला? आज एक कंपनी आली, ती कंपनी 4 लोकांच्या 10 लोकांच्या पोटं भरते. आज माझे काही लोक इथं कामं करतात आई बहिणी, त्यांना यांना काढायचं, हिला काय, यांना ज्यांच्यावर बोटं उचलायचं हिला काय अधिकार आहे? कोणी हिला अधिकार दिला? तर हिला म्हणाव आम्ही कार्यकर्ते इथं आहोत ना, स्थानिक कार्यकर्ते आम्ही खंबीर आहोत, तुमचं बोलायचं काय काम नाही. आमच्या आमदार खासदार नगरसेवक इथे पिंटू सिंग आहे आणि आपले हिरप्पा, आम्ही सगळे कार्यकर्ते एकजूट आहोत. आणि आमच्या एरियाचा जे स्थानिक लोकांचा काही प्रॉब्लेम असला तर ते पहिले येऊन आम्हाला सांगतात, त्याच्यानंतर आम्ही. एवढ्या दिवसापासून तिला इथं काय दिसलं नाही, ते करोना काळापासून राहणारे लोक आहेत, लेबर लोकांना घरं देतात की नाही? कंपनी सगळे कामं घेतात, लेबर लोकांना घरं मिळतं आणि त्यांचं जे मूलमूत्र आहे त्या नाल्यातच जाणार की आणखीन दुसरीकडे कुणाच्या घरात जाणार? तर तिला हे सर्व बोलायचा अधिकार नाही आहे या ठिकाणी. मूलमूत्र हे नाल्यातच जाणारं पाणी आहे. तर तिला म्हणावं बाई आणि सगळ्या व्यवस्था केलेल्या, तुम्ही याच्यामध्ये पडू नका, आम्ही कार्यकर्ते खंबीर आहोत. धन्यवाद. मेरा आदमी को मेरा पति को क्यों गाली दे रहे? बोलते हैं तो आपका पति है ना मुझे रेप कर रहे करके खुद को वो पुलिस का सामने कपड़ा फाड़ के लिए. हाँ, सब लोग खड़ा रहता फिर भी वो कुछ नहीं बोल रही थी. पुलिस लोग भी था सामने, उल्टा पुलिस लोग को मुझे बोलता है भाभी आप चले जाओ घर पे, वो औरत अच्छा नहीं है, आपको पता है क्या, चलो घर पे करके बोल रहा था. मेरा आदमी को बोलते है तुम्हारा आदमी को ना ऐसे में फंसा देगा, खुद पक्का कपड़ा फाड़ के ले रहे वो, कोई पूछेगा तो ऐसा बोल रहा. मामला ये है कि यहाँ पे कई तरह की कंपनियाँ हैं, L&T है, Jio है, Parle जी है, यहाँ के स्थानिक लोग यहाँ पे काम पे हैं. स्थानिक लोग काम पे रहने की वजह से सब अच्छे से सुकून से खा रहे जी रहे हैं. तो यहाँ पे एक सोना सिंह करके है, वो यहाँ आके हमारे हिरप्पा जी को, मेरे को, हमको सबको गाली दे रही है, इनकी माँ बहन निकाली, हमारी माँ बहन रोड पे नहीं है सर, हमारे खासदार साहब को गाली दे रही है. खासदार साहब ने इतने सारे कार्य किए यहाँ पे कि हमको मालूम है कि खासदार साहब ने क्या किया, और खासदार साहब को यहाँ इन्वॉल्व करी ज़बरदस्ती, ये कौन सी चीज़ है? हमको बोलती तुमको FIR में फंसाऊँगी, बलात्कार लगाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी. हमारे घर पे भी माँ बहन है, ये मेरी औरत है, ये मेरी भाभी है, सब फैमिली हमारी. इन लोग भी परेशान है 4 दिन से कि तुम लोग क्या कौन से औरत से लोग. मैंने बताया ऐसे ऐसे कारण है, वो हमको ज़बरदस्ती कर रही है, हमारे को फंसाने की कोशिश कर रही है. हमको बोली है तुम लोग हफ्ता लेता है, हफ्ता लेता हूँ लेकिन वो हफ्ता नहीं, सम्मान का हफ्ता. कंपनी हमको Jio हमारे कोविड टाइम पे खाना दिए, यही L&T कंपनी ने. तब लोगों ने नहीं बोला कि क्या कर रहा है ये, हमको झूठे बदनाम किया जा रहा है. हम तो कंपनी से मतलब हम कंपनी में हमारी लेडीज़ महिला हैं, जेंट्स हैं, सब काम पे, आप लोग सबको पूछ सकते हो.
सब अच्छी तरह से कमा खा रहे काम पे है, कम से कम 250 से 300 लोग हैं की बात सही है। स्थानिक है, लोकल है, यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ है, HPCL है, BPCL है, हमारे लोग भी उसमें परमानेंट है, कोई टेम्परवरी जॉब कर रहा है, कमा खा रहे हैं। अगर कंपनियाँ नहीं रहेगी तो हमें भूखमरी आ जाएगी, हम जाएंगे कहाँ? हमारे यहाँ कम से कम लोकल कंपनी, हम लोग कमा खा रहे हैं, हमको दूर जाके भाड़ा नहीं लगाना पड़ रहा, हम कमा खा रहे हैं। इसीलिए हम कंपनी के सपोर्ट में हैं, हमसे कंपनी से लेना देना नहीं, लेकिन हमारा कंपनी चला जाएगा तो हम खाने के वांदे हो जाएंगे, हमारी महिला परेशान हो जाएगी, जेंट्स परेशान हो जाएंगे। तो एक तरीका होता है उनका, ऐसा आरोप हफ्ता लेते तो गुंडा हमको साबित करे किस चीज़ के गुंडे हैं, हम का साबित करें, उनको लगता है हम गुंडे हैं, उनसे बड़ा गुंडा कौन है जो सबको बलात्कार में फंसाना, कई लोगों को फंसा चुकी है, एक बुजुर्ग 70 साल की महिला को, जेंट्स को फंसा दिए, ये कौन सा न्याय है? मैं कानून व्यवस्था से न्याय मांगना चाहता हूँ कि इस तरह के काम नहीं होना चाहिए, फालतू किसी को फंसाओ मत, और कानून व्यवस्था को भी अच्छी तरह देख के सब कुछ करना चाहिए। तो वो रहती कहाँ पे और ये कौन सी जगह? वो यहाँ पे नहीं रहती, उसका एरिया ये हमारा 148 वार्ड है, उसका एरिया दूसरा है। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, हमको न्याय चाहिए। और यहाँ का अभी हमारे भाई हिरप्पा जी बताएंगे क्या है क्या नहीं। आपने जो LNT का क्वेश्चन किया, LNT के पास A to Z पेपर वर्क है, हमें भी पुलिस स्टेशन और BMC से पता चला, तो आप वहाँ से इंक्वायरी करिए। जब आपसे कुछ नहीं हो रहा तो तुम जबरदस्ती कर रहे हो, पिंटू सिंह और हिरप्पा को टारगेट कर रहे हो, झगड़ा करे, झगड़ा करके हमको कुछ मिलेगा? अरे हम भी माफ़ी चाहते हैं, हमको झगड़ा करने नहीं आता है, हम लोग इज्जतदार इंसान है, तुम्हारे जैसे नहीं है। इसीलिए हम बोलना चाहते हैं प्रशासन से कि हमारी मदद करिए, और आप इनसे पूछिए इनके साथ क्या घटना हुई कल, क्या हुआ था आपके साथ यहाँ पर, जबरदस्ती गेट खुलवाया गया था क्या? जैसा गेट के अंदर आई वो, मैं उसको रुकाया, आपको कहाँ जाना है पूछा, सोना सिंह वो आई, मैं उससे पूछा आपको कहाँ जाना है, प्राइवेट प्रॉपर्टी आपको अलाउड नहीं अंदर आने का, मैं ऐसे बोला, बोले प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, कलेक्टर का रोड है, ऐसे बताई हो, तो उसका उसने क्या कि मेरे बदन पे आके डायरेक्ट ऐसा फाड़ दी उसने, और डायरेक्ट बलात्कार करने का आरोप डाल रही थी, और गाली गलौज कर रही थी वो। किसके किसके साथ झगड़ा हुआ, उसका हाथापाई हुआ या कोई लड़के लोग ने मारा क्या? तो मेरे साथ ही हाथापाई हो रहा था उसका, मांग पे भाग के आ रही थी वो। कभी हुआ है? परसों के दिन। मैं चाहता हूँ कि हमारा लोकल का प्रॉब्लम है, इसमें हमारे खासदार आमदार इनको क्यों इन्वॉल्व किया जाता है? वो हमारे देश के, हमने चुन के दिया, उनको बदनाम क्यों कर रहे हो आप लोग? हमें तो बदनाम कर रहे हो, खासदार आमदार को भी बदनाम कर रहे हो। राहुल शिवाले साहब जो 10 साल से लगातार खासदार हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, आज कंपनी आई, हम उन्हीं के बोल के तभी तो हमको जियो ने काम दिया ना। खासदार का बोला कि खासदार साहब हमारे लोगों को काम दो, खासदार साहब ने काम दिलाया, तो इसका मतलब खासदार साहब बदनाम हो गए? काम दिलाना मतलब बदनामी है? तो भैया ये बदनामी से तो हमको डर लगता है, ऐसे लोग जो खुद बदनाम हो हमें बदनाम कर रहे हैं। इसीलिए मेरी की विनती है कि पुलिस प्रशासन हमारी मदद करे, ऐसी महिला हमें हमारे साथ बलात्कार में फंसाने की कोशिश करती है और काफ़ी लोगों को फंसा चुकी है, मुझे न्याय चाहिए, नहीं तो मैं भी आत्मदहन करूँगा। बस इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता है। और बाहर वाला आके इधर हमारे बच्चे लोग को गाली गलौज करेगा, मतलब वो लोग मेहनत करने वाला नहीं है, सबका बलात्कार करते घूमता क्या? उसको शर्म मांगता, औरत तो बन के आई ना, उसको शर्म मांगता है, कपड़ा खुद का कपड़ा फाड़ के मेरा बलात्कार करो, मेरा बलात्कार करो करके बोलने का, ऐसा नहीं करना, फिर ऐसा करने का रहता है क्या? आपके सामने कपड़ा फाड़ा क्या? सोना सिंह हमको भी नहीं मालूम था, उस दिन मालूम पड़ा सोना सिंह का, उसका बड़ा फोटो लगाना पड़ेगा। जब भी फड़ाते भी आप लोग थे? हाँ था, इधर ही हम लोग, अभी इधर ही दुकान, हमारे दुकान डाले ले, वही LNT वाला जियो वाला आता है, थोड़ा हम लोग का धंधा होता, हम लोग कोई नहीं कमाने वाला है, तो उतना हम लोग चले ले। ये औरत आके हमारे कंपनी बंद करे तो फिर हम लोग कौन किधर से खाएगा? वो ला के देने वाले क्या हम लोग खाने के लिए? फिर तीन लेडी से ये बाहर का आके दादीगिरी करेगा, अब इधर वाला हम लोग बैठ गए इधर ताली बजाते, फिर ऐसा गंदा गंदा बच्चा लोग को गाली देगा, कुछ भी बोलेगा। परसों इधर हुआ धींगाना, पर मुझे क्या लगा हमारा कंपनी के लिए कुछ हो रहा है क्या? हम मुझे काम से निकाल रहे करके धींगाना हो रहा है, हम तीन लेडीज काम करते हैं इधर, नेता करते हैं ना, सच्चाई से नेता करो, ये कपड़ा क्यों फाड़ते, क्यों लड़का लोग को बदनाम करते? क्या हम भी तो औरत है ना, तुम हमारे सामने कपड़ा फाड़ते तो शर्म होना चाहिए हम लोग को भी, लगे उनका बीवी इधर खड़ा है, उनका बीवी को बोलती तेरा आदमी को भेज ऐसा फाड़े, हमको काम नहीं, हम विधवा औरत है, हम लोग तीनों इधर काम करते हैं, हमारा काम पेट पे लात नहीं मारना, और सही से ये करके तो अच्छे से करो, तुमको हफ्ता चाहिए तो उधर करो, इधर नहीं, हमारा बच्चा लोग को अटक नहीं करना है, गलौज करने वाले औरत नहीं मांगता है हमको, बाबू जाता हूँ हमारा घर उनकी पत्नी है ना, मेरा पति पत्नी है ना, इधर मैं उनके पीछे खड़ी थी, भाभी बोलो, ये आंटी भी है, ये भाभी भी थी, ये भाभी वो आया गाड़ी पे, गाड़ी पे आते पब्लिक का रोड है, ये पब्लिक का रोड है, वाचमैन को मैं उधर ही झाड़ू लेके खड़ा होता है, झाड़ू मारता है मैं इधर,
और रुस्तुम साहब ने झाड़ू लगा मारने के लिए लगा। मेरा नाम कमला भाई। क्या हुआ फिर? फिर बोला तो वॉचमैन बोला इधर अंदर गाड़ी मत छोड़ो। फिर वो क्या बोला कहीं को तेरा बाप का रहा है क्या रास्ता, ये रास्ता तेरा बाप का नहीं और किसका भी रहते गाड़ी मत छोड़ो करके वॉचमैन बोला। वॉचमैन को डायरेक्ट बोली मेरे को रेप करने वाला है तू रेप कर आ बोल के टराटर कपड़ा फाड़ के ली। नहीं वॉचमैन को हम लोग बोला जा तू पानी छोड़ने के लिए मत आ इधर। वॉचमैन को हम उधर भेज दिया इधर बाहर आके भी कपड़ा फाड़ी हो। हमको रुस्तम साहब मदद करता है हमको काम पे लगाया हमको मर्द नहीं हम विधवा है हम इधर हमारे हीरापा का जान को ऊपर हमारा सब कुछ हो गया है। मेरा हार्ट का ऑपरेशन हो गया है मेरे को हार्ट का ऑपरेशन हो गया है साहब मैं काम करके खाता है हमारा पीछे मत लगो बोलो वो भाई को। वो भाई कौन सा उसको हमको कौन काम देने वाले यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं? हम लोग तीन लेडीज है। अच्छा हाँ तो अभी कंपनी बंद करने की बात कर रहे हैं या कंपनी में वो लोग आए थे झगड़ा करने के लिए? तुम झगड़ा करके जाएंगे तो फिर हम लोग को कौन घर कौन चलाएगा हमारा? तुम तो हफ्ता खा के दिन निकालेंगे हम किधर से ये करेंगे? हम लोग तुम्हारे जैसे तो नहीं ना हफ्ता करेंगे कपड़ा फाड़ेंगे। हम मेहनत करते गोने उठाते हमको कोई काम पे नहीं लगाया। बाबू जादव ने हीरापा ने काम पे लगाया हमको पिंटी सिंह ने। आप कहाँ रहते हैं? हम इधर ही रहते हैं प्रकाश नगर में। लॉकडाउन में मेरा काम गया मेरा घर कैसा चलता है मुझे पता है। आज जियो मार्ट आया काम मिला है मेरा घर चलता है। भूखा मरे कोई लाके नहीं देते तुम लोग को लपड़ा करने के लिए आते हैं हफ्ता में विधवा भाई को मदद नहीं कर सकते को मत खराब करो। जब तुम इतना लीडरगिरी करते थे विधवा को मदद करो ना क्यों इधर आके नंगापन करते हमारे हीरे में आके और वो सब लोग से जमा करके पैसे जमा करने के लिए आते कौन गुंडा मेरा हीरे में बताओ? गुंडा लोग उसको मारा है क्या? गुंडा लोग आके उन्होंने बोला गुंडा लोग ने उनको मारा। कौन सा गुंडा लोग है हमारे इधर लेके आओ बोलो उसको बोलो नहीं बोलो तीनों गुंडा कौन हाथ लगाया उसको दिखा बोलना नहीं दिखा तो फिर हम लोग दिखाता है हम लोग का इधर तो उनका नाम बताओ। वो तो गए अभी इसका आगे हम लोग भी सही नहीं करेगा अभी दोबारा इधर लपड़ा नहीं होना है। हम तीन लेडीज काम करते हैं हमारा तीनों का पेट पे लात गया हम किधर पहुंच रहे पहुंचेंगे बाहर का भारी रहो तुम लोग। हम ईमानदारी से पहुंचने वाले हैं बेईमानी से नहीं। हमको न्याय मांगते हैं इधर मांगते हैं पढ़ाने का पुलिस लोगों सामने डायरेक्ट बोलता हूं फिर पुलिस लोग कैसे चुपचाप बैठे ले। पुलिस ने बोला एफआईआर लेंगे इस पे क्या करना है अभी जो मेरे जो बेटा लोग बोलते हैं वो होएगा ना क्या वो झूठे लोग। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सॅन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सही। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।